जैसे कि फाइनली हम आ चुके हैं दिल्ली और जो हमारी ट्रेन है ना बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे आ चुके हैं। जैसे कि 6:20 पे हमें आके छोड़ दिया और जो हमारी ट्रेन देख सकते हैं पद्मावत एक्सप्रेस इधर लगी हुई है। हाँ व्हाट्सअप गाइस एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। फाइनली आज का जो हमारा व्लॉग होने वाला है, इस व्लॉग में हम जाने वाले हैं यूपी प्रतापगढ़ से दिल्ली, जो कि हमारी ट्रेन आज होने वाली है पद्मावत एक्सप्रेस, और उसका जो टाइम है ना 5:45 पे है। और अभी मैं खड़ा हूँ अपने घर पे, यहाँ से जाने वाले हूँ। सबसे पहले हर बार की तरह अपने पिताजी से मिलेंगे, उसके बाद अपने व्लॉग को करेंगे स्टार्ट। तो गाइस वीडियो करते हैं। तो मैंने अपने पिताजी से मिल लिया और वहाँ से भी निकल गया मैं, जैसे बताया था कि सबसे पहले चलते हैं अपने पापा के पास, वहाँ पे किराना स्टोर पे जहाँ पे बैठते हैं। आपने को हम पहले भी वीडियो में दिखा चुके हैं किराना स्टोर, और अभी मैं निकल चुका हूँ स्टेशन के लिए। और हमारे साथ में आज देख सकते हैं हमारे भाई हैं। हाय, मैं भी जा रहा हूँ उनके साथ और जा रहे हैं हम लोग दिल्ली। हमारे भाई साथ में हैं और हम और दोनों लोग साथ में ही जाने वाले हैं। जैसे कि देख सकते हैं आज ड्राइवर कौन है, ये भी है, ये भी यूट्यूब पर वीडियो बनाया था। ये देखो, ये रही हमारी टुक टुक, इससे हम जाने वाले हैं स्टेशन तक। उसके बाद आपको दिखाते हैं कौन सी ट्रेन आने वाली है और कौन से ट्रेन से हम जाने वाले हैं दिल्ली। जैसे कि पहुंच चुके हैं हम स्टेशन पे, देख सकते हैं ये रहा माँ बेला देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन। और हमारे साथ देख सकते हैं अभी है अयान, और जैसे कि जो हमारे साथ थे जिसान, वो गए अभी चिप्स लाने के लिए, वेफर लाने के लिए। तो अभी चलता हूँ, अंदर चलता हूँ और देखता हूँ कौन से प्लेटफॉर्म पे लगने वाली है हमारी ट्रेन और जिससे हम यात्रा करने वाले हैं। तो गाइस लेके चलते हैं अंदर, और वहाँ पर देखो एंट्री गेट रहा, यहाँ से एंट्री करते हैं। पहले तो जिसान के आने देते हैं, उसके बाद साथ में दोनों भाई एंट्री लेते हैं। तो गाइस जैसे कि देख सकते हैं हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे लग चुकी है, और ये रही देख सकते हैं पद्मावत एक्सप्रेस। और अभी चलते हैं, देखते हैं कौन सी डब्बे में हमारी टिकट है। जैसे कि हमारे साथ आज 3 लोग जर्नी करने वाले हैं, मतलब हमारे ब्रदर जो हमारे भाई हैं ना, उनके एक दोस्त हैं और वो भी जाने वाले हैं। इसके लिए मैं आज 3 लोग जर्नी पे करने वाला हूँ। तो चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं कौन से डिब्बे में उनका टिकट है, तो चल के मिलते हैं पहले। तो मैंने बैग वगैरह को रख दिया, बिल्कुल सेटअप कर चुका है। और जैसे कि देख सकते हैं ये जो है ना, ये जो विंडो है ना, यही पे हमारी सीट है। देख सकते हैं यहाँ पर हमारे भाई बैठे हुए हैं। 47 सीट नंबर है मेरा, उस पर ही मैंने बैठा है। उस पर नीचे मैंने अपने लगेज को जितना था सब सेट कर चुका है। तो अभी अंदर से दिखाते हैं आप। जैसे कि देख सकते हैं हमारी जो ट्रेन है ना चल चुकी है पद्मावत एक्सप्रेस। देख सकते हैं ऐसा कुछ रहा नज़र वहाँ पर, देख सकते हैं बहुत ही कम अभी क्राउड है इधर, तो आगे चल के क्राउड होने वाला है, तो आप सबको दिखाने वाले हैं। जैसे हमारी ट्रेन जो है जो टाइम था वही उसी टाइम पे निकली है, 5:45 पे ही निकली है। और अभी चलते हैं आगे, दिखाते हैं कहाँ पे क्राउड होने वाला है। जैसे कि अभी एकदम रिलैक्स है, मतलब यहाँ पर बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं देख सकते हम लोग, इधर नीचे ही बैठे हैं, ऊपर जो सीट है ना खाली ही पड़ी हुई है, देख सकते हैं। चलते हैं आगे, दिखाते हैं आपसे। अभी मैं पहुंच चुका हूं लखनऊ, और यहां का जो अभी जो ट्रैफिक है ना, अंदर का क्राउड बहुत ही ज़्यादा हो चुका है, और अभी का जो टाइम हो रहा है 9:45 हो चुके हैं। तो गाइस जैसे कि मैंने आप सबको बताया प्रतापगढ़ से लखनऊ पहुंच चुके हैं, जैसे कि मैंने आप सबको बताया था। तो गाइस अभी लेके चलते हैं अपनी जर्नी को करते हैं स्टार्ट। तो अंदर लेके चलते हैं, जैसे कि हम सबने बिस्लेरी वगैरह ले लिया, क्योंकि कुछ लिए नहीं थे, कहीं भी उतरे भी नहीं थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही ट्रैफिक हो जाती है। तो अंदर चलते हैं और आप सबको दिखाते हैं। तो गाइस जैसे कि फाइनली हम आ चुके हैं दिल्ली, और जो हमारी ट्रेन है ना बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे आ चुके हैं। जैसे कि 6:20 पे हमें आके छोड़ दिया, और जो हमारी ट्रेन देख सकते हैं पद्मावत एक्सप्रेस इधर लगी हुई है, और अभी जो प्लेटफॉर्म नंबर 9 पे आके खड़े हो गई है। और अभी का जो टाइम है 6:20 हो रहे हैं, और आप चलते एग्जिट लेते हैं, उसके बाद बताते हैं कि कैसे हम जाने वाले हैं। और मैं फर्स्ट बार दिल्ली आया हुआ हूँ, तो चलते हैं आप सबको दिखाते हैं, उसके बाद रूम पे चलते हैं, थोड़ा रेस्ट वगैरह करते हैं, क्योंकि हम जब से लखनऊ से बैठे ना उसके बाद मैंने सो गया था, और वहाँ से फिर सीधा यहाँ पे दिल्ली आके गाजियाबाद में उठा, उसके बाद यहाँ पे आके मैं उतर गया। फाइनली जैसे कि पहुँच गए हम पाटिल नगर, और यहाँ से अभी चलते हैं अपने रूम पर और दिखाते हैं। जैसे कि यहाँ से हमारा जो रूम है ना सिर्फ 500 की दूरी पर है। अंदर चलते हैं, उसके बाद दिखाते हैं आप सबको। जैसे कि वहाँ से मैंने उसके बाद फिर से यहाँ पे आके यहाँ पे उतरा, उसके बाद अभी चलते हैं अंदर। जैसे कि फाइनली हम पहुँच चुके हैं अपने रूम पर, देख सकते हैं कुछ ऐसा रहा हमारा रूम।
ये देख सकते हैं, ये रहा किचन। और अपने रूम पे पहुंच चुके हैं, अभी थोड़ा आराम करते हैं क्योंकि हमारे जो भाई थे ना वो भी नीचे ही रह गए कि कुछ लेना था उन लोग को, अभी लेके आते हैं। तो गाइस जैसे कि मैंने आप सबको दिखाया यूपी प्रतापगढ़ टू दिल्ली का ये जो जर्नी था हमारा, तो अब से हमारा जो वीडियो है ना यहाँ पे दिखाने वाले हैं दिल्ली का हर फेमस प्लेस को एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो गाइस जैसे कि अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सब नए हैं तो वीडियो को करना लाइक और हमारे यूट्यूब चैनल को करना सब्सक्राइब। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।